नाउ फेसेस ऑफ द मून, ठीक है। अब मून के अलग अलग फेसेस देखते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कि मून का हमको हर दिन अलग शेप मिलता है, ठीक है, देखने को मिलता है। कभी राउंड दिखेगा, ठीक है, कभी हाफ दिखेगा, कभी ऐसा दिखेगा, कभी ऐसा दिखेगा, ठीक है, कभी हाफ दिखता है, कभी ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये अलग 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 मून के शेप आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है देखते हैं। द मून टेक्स अबाउट 29 days टू ऑर्बिट द अर्थ, ठीक है। जिस तरह अर्थ सन के अराउंड एक पूरा कंप्लीट साइकिल करने में 365 days लेती है, 1 year, उसी तरह मून अर्थ का एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए 29 days लेता है, ठीक है। एज इट डज दिस इट सीम्स टू चेंज द शेप, ठीक है। अब क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहा है इसलिए सनलाइट इस पर अलग अलग पड़ती है, ठीक है, इसलिए ऐसा लगता है कि मून अपना शेप चेंज कर रहा है, ठीक है। द मून हैज़ फेसेस, मून के फेसेस होते हैं। इट मीन्स दैट इट लुक्स अ लिटिल डिफरेंट टू अस ईच नाइट ड्यूरिंग इट्स 1 month ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसका फेसेस मतलब क्या होता है कि जब भी मून 29 days मतलब एक मंथ का टाइम लेता है वो अपना साइकिल कंप्लीट करने में, ठीक है, तो जब भी मून अलग अलग पोजीशन पर रहता है अर्थ को रोटेट करते हुए, ठीक है, तो उसके अलग अलग साइड्स हमको देखने को मिलते हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, फेसेस, ठीक है। वी ओनली सी दैट पार्ट ऑफ द मून विच इज़ लाइटेड बाई द सन, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें मून का सिर्फ वही पार्ट दिखता है जहाँ पर सनलाइट आ रही होती है, ठीक है, और जहाँ पर सनलाइट नहीं आ रही होती हमें वो पार्ट दिखता नहीं है, ठीक है। इसलिए देखो, जब मून यहाँ पे होता है तो यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि सनलाइट कौन रोक लेता है, अर्थ रोक लेती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमको सन दिखाई नहीं देता, ठीक है। वो कौन सी नाइट होती है, न्यू मून, मतलब अमावस्या की रात में हमें मून दिखाई नहीं देता, ठीक है। व्हेन द मून अपीयर्स कंप्लीट इट इज़ कॉल्ड फुल मून, व्हेन द मून इज़ इनकम्प्लीट डार्कनेस इट इज़ कॉल्ड न्यू मून, ठीक है। तो जब हमको पूरा एक मून दिखाई देता है राउंड शेप का तो हम उसे फुल मून कहते हैं, और जब हमें मून दिखाई ही नहीं देता है यानी अमावस्या की रात को तो हम उसे क्या कहते हैं, न्यू मून, ठीक है। न्यू मून मतलब फिर धीरे 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 करके मून दिखना चालू होता है और हमें एक फुल मून दिखाई देता है, ठीक है। नाउ द स्टार्स, देर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्पेस, ठीक है। स्पेस में हजारों लाखों करोड़ों स्टार्स हैं, ठीक है, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। दी स्टार्स आर विजिबल टू अस एट नाइट, ठीक है। तो रात के समय जब आप स्काई पे देखोगे तो आपको बहुत सारे स्टार्स से ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। द स्टार्स अपीयर टू बी रियली टाइनी, ठीक है, और ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटे 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 हैं साइज में और पूरे स्काई में फैले हुए हैं। बट इन रियलिटी दे आर वेरी बिग, लेकिन एक्चुअल में इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इफ़ यू लुक एट द स्टार्स वेरी केयरफुली दे अपीयर टू बी रेड, ब्लू और येलो, ठीक है। और अगर आप इन स्टार्स को ध्यान से देखोगे तो आपको किन्हीं किन्हीं स्टार्स का कलर रेड दिखेगा, कोई स्टार्स आपको ब्लू दिखेगा और कोई येलो भी दिखता है, ठीक है। ब्लू वंस आर न्यू स्टार्स, येलो वंस आर यंग स्टार्स एंड रेड वंस आर ओल्ड स्टार, ठीक है। तो जो ब्लू दिखते हैं वो न्यू स्टार्स होते हैं, मतलब जिनका अभी अभी बॉर्न हुआ है, ठीक है, अभी अभी जो हुए बने हैं, ठीक है। यंग स्टार्स जो येलो कलर के होते हैं वो यंग स्टार्स होते हैं, मतलब वो कुछ टाइम हुआ है बन चुके हैं और वो अपनी यंग एज में हैं। और उसके बाद आते हैं ओल्ड स्टार्स, ठीक है। ओल्ड स्टार्स जो रेड कलर के दिखते हैं, और ओल्ड स्टार मतलब होता है कि काफ़ी टाइम पहले बन गए हैं, ये अपना लाइफ स्पैन भी कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे यानी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। नाउ कॉन्स्टेलेशंस, कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं, देखो आपको स्काई में अलग अलग शेप जो स्टार का ग्रुप है, ठीक है, वो अलग अलग शेप बनाता हुआ दिखाई देता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। तो कुछ फेमस कॉन्स्टेलेशन कौन कौन से हैं, स्कॉर्पियन, ग्रेट बियर और ओरियन, ठीक है। इसको ओरियन को हम हंटर या काल पुरुष भी कहते हैं, और ये आपका सप्तर्षि, ठीक है। देर आर सम स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म सम पैटर्न, ठीक है। कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो हमको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ पैटर्न बना रहे हैं, कुछ शेप बना रहे हैं,
दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ सर्टेन पैटर्न आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, तो स्टार का एक ऐसा ग्रुप जो एक अलग अलग पैटर्न बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, ईच कॉन्स्टेलेशन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एंड गिवन अ स्पेसिफिक नेम। ठीक है, सभी कॉन्स्टेलेशन को एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी और एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। ठीक है, हियर आर सम कॉन्स्टेलेशन विच यू मे हैव सीन इन द नाइट स्काई। तो यहाँ पे हमको रात में ये कुछ कुछ कॉन्स्टेलेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें से क्या क्या है, का स्कॉर्पियन है, ग्रेट बियर है और ओरायन हंटर है। ठीक है,